27 नवंबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने सैन्य उपग्रह कार्टोसैट 3 का सफल प्रक्षेपण किया। श्री हरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कार्टोसैट 3 को सुबह 9:28 पर PSLV-C-47 द्वारा लॉन्च किया गया। इसके साथ 13 अमेरिकी सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए हैं। कार्टोसैट 3 तीसरी पीढ़ी का फुर्तीला उन्नत उपग्रह है। इसका कैमरा अंतरिक्ष से जमीन पर 9.84 इंच की ऊंचाई तक की स्पष्ट तस्वीरें लेने में सक्षम है। ये उपग्रह अंतरिक्ष से भारत की सीमाओं की निगरानी करने में सहायक होगा और प्राकृतिक आपदाओं सहित कई अन्य उपयोगों में भी कारगर साबित होगा। 27 नवंबर को दिल्ली में चिकित्सा के क्षेत्र में भारत जापान सहयोग कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और भारत जापान आयुर्विज्ञान अनुसंधान और विकास एजेंसी AMED के सहयोग से हुई इस कार्यशाला का उद्देश्य पारस्परिक लाभ के प्रमुख शोध क्षेत्रों का आदान प्रदान, दोनों देशों के बीच भविष्य की परियोजनाओं के लिए शोध विषयों की पहचान और शोध परियोजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया का पता लगाना था। इस कार्यक्रम में दोनों देशों के शोधकर्ताओं और संबंधित पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। 26 नवंबर को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में DIC इनोवेशन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली विश्वविद्यालय और IIT दिल्ली के डिजाइन इनोवेशन सेंटर के सहयोग से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया था। प्रदर्शनी में देश भर के विश्वविद्यालयों के छात्रों ने हिस्सा लिया और अपने नवाचार का प्रदर्शन किया। 'वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के शोधकर्ताओं ने शोध के दौरान सिकरी टेगोगिन नाम के प्रोटीन के नए उपयोग का पता लगाया है। SSGN प्रोटीन मधुमेह रोगियों में ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मददगार हो सकता है। प्रयोगशाला में चूहों पर किए गए परीक्षण में इसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। शोध पत्रिका आई साइंस में प्रकाशित इस अध्ययन में मोटापे से ग्रस्त लोगों में इंसुलिन क्रिया को बढ़ाने में SCGN प्रोटीन की भूमिका की व्याख्या की गई है। ये मोटापे से जुड़ी अन्य बीमारियों में भी कारगर हो सकता है। पृथ्वी पर भी एक ऐसा जलीय वातावरण है जहां जीवन की संभावना शून्य है। स्पेनिश फाउंडेशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया ये क्षेत्र इथोपिया के डेलोल का जियोथर्मल क्षेत्र है। ज्वालामुखी के क्रेटर पर स्थित इस क्षेत्र में हाइड्रोथर्मल गतिविधियों के कारण क्रेटर से लगातार उबलता पानी और जहरीली गैसें निकलती रहती हैं। नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन से पता चला है कि इस क्षेत्र के गर्म खारे बहुत ज्यादा अम्लीय तत्वों वाले तालाबों में किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव भी उपस्थित नहीं है। दो दिसंबर 1905 को जर्मन अमरीकी आविष्कारक सेमी जोसेफ बिगन का जन्म हुआ। 1934 में बिगन ने प्रसारण उपयोग के लिए पहला टेप रिकॉर्डर बनाया, जिसे 1936 में हुए ओलंपिक के दौरान इस्तेमाल किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बिगन ने चुंबकीय रिकॉर्डिंग माध्यम के तौर पर फेरोमैग्नेटिक पाउडर सस्पेंशन कोटिंग पेपर और प्लास्टिक टेप पर काम करना जारी रखा। उन्होंने साउंड मिरर के नाम से उपभोक्ताओं के लिए पहला टेप रिकॉर्डर अमेरिका में विकसित किया। बिगन ने मेल ए वॉइस का भी आविष्कार किया, जो पत्राचार के लिए पेपर डिस्क के एक तरफ चुंबकीय रूप में रिकॉर्ड किया जाता था। चार दिसंबर 1996 को मंगल पथ प्रदर्शक को डेल्टा 2 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। पाथ फाइंडर के साथ एक सोजोर्नर नाम का रोबोट रोवर भी था, जिसे ये नाम अमरीकी नागरिक अधिकार एक्टिविस्ट सोजोर्नर ट्रूथ के नाम पर दिया गया था। ये यान 4 जुलाई 1997 को मंगल के वातावरण में पहुंचा, जिसे एक पैराशूट की सहायता से मंगल पर उतारा गया था। लैंडर और रोवर ने मंगल ग्रह की अभूतपूर्व छवियां और आंकड़े धरती पर भेजे।
रोवर ने चट्टानों और मिट्टी के 15 से अधिक रासायनिक विश्लेषणों को पूरा किया, साथ ही हवा और सतह की स्थिति की भी गणना की। चार दिसंबर 1898 को मशहूर भारतीय भौतिक विज्ञानी करियामणिकम श्रीनिवास कृष्णन का जन्म तमिलनाडु के वातरप गांव में हुआ। 1920 में कृष्णन चंद्रशेखर वेंकट रमन के अधीन भौतिकी में एमएससी करने के लिए कोलकाता गए। उन्होंने आणविक प्रकीर्णन से जुड़े प्रकाश की आवृत्ति और ध्रुवीकरण के परिवर्तनों की विस्तृत जांच करने में रमन की मदद की। यही समय था जब रमन प्रभाव की घोषणा सीवी रमन और कृष्णन द्वारा एक नए तरह का द्वितीय विकिरण नाम से ब्रिटिश पत्रिका नेचर के लेख में की गई। कृष्णन ने डाया और पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल पर चुंबकीय अनिसोट्रोपीज की माप के लिए प्रयोगात्मक तकनीक विकसित की। 1940 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया और 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1998 में भटनागर पुरस्कार पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे। 6 दिसंबर 1850 को हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज ने बर्लिन फिजिकल सोसाइटी के सामने अपने आविष्कार नेत्र गोलक की घोषणा की। 1851 में उनका वर्णन एन आई मिरर फॉर लिविंग आई नाम से जर्मन में प्रकाशित किया गया। अपने आविष्कार का उपयोग करते हुए उन्होंने एक ग्लास प्लेट के एक छोर से सब्जेक्ट की आंख को देखा और दूसरे छोर से उस आंख पर प्रकाश प्रतिबिंबित किया गया। इस आविष्कार ने नेत्र विज्ञान में क्रांति ला दी, जिससे जीवित रेटिना के विवरण को देखने, आंखों की बीमारियों का पता लगाने और अंधेपन से बचाने के लिए मरीज की आंख के अंदर के दृश्य को देखा जा सकता था।